तो खुद ही मिला। गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का मिसेस प्रिया सरकार ब्लॉग्स में। तो कैसे हो आप सब लोग? नहीं तो नींद ही नहीं खुलती है ठंड में। आज 6 बजे उठी हूँ, आराम से उठी हूँ, मतलब 5:30 उठ गई थी लेकिन बेड में ही थी। मेथी के पराठे में आते तो वो जल्दी बन जाता है, फटाफट उठ के भाजी चॉप करी। हाँ रितिका ले रही है शार। मैडम अपना गमछा भूल गई। आटा लगा दिया मैंने, सही देखिए मेरे मेथी के पराठे रेडी हैं। तो मेरे मेथी के पराठे फूलेंगे नहीं क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा इसमें स्टफिंग है मेथी की, एंड उसके जो स्टेम्स रहते हैं मैंने उसको भी चॉप करके डाला। इसीलिए का टिफिन ये रही, वाटर बोतल ये रहा। इतना देर में बिना स्वेटर के जैसे ही काम खत्म हुआ ठंड लगना भी स्टार्ट हो गए। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही, धूप में खड़े होते हैं लेकिन इतने टाइम की धूप में भी दम नहीं रहता। आओ बेटा धूप में। तो कल मैडम ग्लव्स ली है मार्केट से, रायगढ़ गए तो याद नहीं दिलाई मार्केट में, ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उनको यही लेना है। चलो मैं जैसे ही अंदर आई बस भी चले गए। एवरीवन स्मार्ट हो गया, जल्दी जल्दी मैंने शारवार ले लिया, लेकिन रात को मैं मोजे पहन के सोई थी क्योंकि मेरे पैर मतलब गर्म नहीं होते हैं जल्दी। अब नींद में खोल दी मैं, कहा एक मिल गया दूसरा नहीं मिल रहा, एंड जब बिस्तर से उठी थी तब दोनों ही बेड पे थे। पति देव कम्बल फोल्ड करके गए तो उसको भी तहस नहस कर दिया, पूरा बिस्तर देख लिया, उसके पैर आ गए मोजे के लग रहा है। पीके में सीधे बाहर आ गए हम ब्लॉग अपलोड करने के लिए, फिर लेट हो जाता है टाइम ना, जल्दी हो गया सब कुछ तो मैंने सोचा फिर ना अपलोड कर दूं। चढ़ा दी है ये रही भाजी, तो इसको मैं साफ करती हूँ। मंकू है हाँ? क्या करने आया है हाँ? क्या करने आया है? अंकल कहाँ गए? बुला तो अंकल को, अंकल बुलाओ। आना नहीं बोल रहे हैं। यहाँ हो रही है भाजी, ये दाल हो रही है, किचन की हालत देखिए। खाना पीना बन गया, वो खा भी रहे हैं। 12:11 हो रहा है, मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ, खा पी के फिर निकलेंगे। तो जैसे कि आज मंगलवार था तो हमने सोचा क्यों ना आज मंदिर जा जाए, तो हम लोग रास्ते में गए मंदिर, उसके बाद फिर आगे मम्मी के यहाँ गए। मंकू भी आ गया देख के। देख के दरवाजे में हाथ चिपाएगा फिर बंद होगा। दे आर ईटिंग राइस, चिकन राइस, ईटिंग गार्लिक। मैं भी खा के उठ चुकी हूँ। सो खाना हो गया, साथ में चाय भी रेडी थी गर्मा गर्म, और इनका रोसू नहीं खा रहे अभी तक। चाय खा रहे, टी गरम है, वैसे मिर्ची लगा है जल जाएगा। काफी
तुम लोग खाई जाओ तुम्हारे तो सीने को लेकर मजा देख लो कहाँ आवाज हुआ टपकाई कॉपी में गधी कॉपी कहाँ है बोलूंगी मेरे दिमाग से निकल जा रहा है आज बर्थडे है कॉलोनी में क्यूट सी बेबी है बहुत उसको प्रज्ञा प्रज्ञा बोलोगे ना हाँ बोलेगी ना बोलेगी वो अपने धुन में लगे रहेंगे ऐसे तो रेडी होंगे 7 बजे करीब इतनी ठंड में क्या रेडी होंगे जैसे लग रहा है हाँ 5:30 बजे से लगी है अपना होमवर्क करने में और वॉच बनाई जा रही है खाली और कुछ रही घड़ी क्लॉक है वॉच घड़ी क्लॉक सो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं रेडी सेडी हो जाती हूँ एंड उसके बाद थोड़ा बहुत फोटो शोटो हो जाएगा एंड रील्स हो जाएगा अगर टाइम पे रेडी हो गई आई एम रेडी कैसे रहते हैं ना हम लोग घर में बताओ अभी मैंने मस्त पफ बनाया है एंड सिंपल गाउन डाला है नितिका अभी भी लगी हुई है अभी नितिका रेडी हो रही है यहाँ पे तो बहुत सिंपल रह रही थी ये तो मैंने बोला थोड़ा रेडी सेडी हो लो क्योंकि अभी स्कूल जाना रहता है ना तो ज्यादा मेकअप शेकअप मतलब अरबी से मैं करवाती भी नहीं हूँ झूठ क्यों बोलूँ थोड़ा सा लिपस्टिक है लिप बाम लगा लो हो गया कभी कभार अगर कर ले तो अलग बात है मतलब क्यूची क्यूची अच्छा ये किसके जैसी दिखते पहले मैं देवू को बोलती थी नहीं ये तुम्हारे जैसी दिखते बट अभी पहला बेटा है ना तुम्हारी ऊपर ऐसी है इसका यहाँ यहाँ से इतना उसके पापा जैसे वो अपर लिप है ही नहीं है जैसे उसके पापा का नहीं है तो वैसे इनका भी नहीं है देखो पापा की आईब्रोज भी ऐसे ऐसे है मेरे आईब्रो मेरी जैसी नहीं है आज मैंने आईब्रो बनवाई मुझे इतना पेन हुआ ना मैं क्या बता चर चर नोच रहे थे वो बाप रे बहुत ज्यादा दुखा एंकल और ज्यादा पेन होने वाला है आके जब फेस वॉश किया था बहुत जल रहा था पूरा भर भरा रहा था तो कब करें अपना वो वाला जूता पहन लो बूट उसको बड़े स्वेटर डाल रहा था नहीं नहीं लगेगा बोलती है गाउन पहन लो देखिए हितिका ने बैंगल भी डाला लेकिन इसने सूट नहीं कर रहा है नहीं कर रहे निकाल दो पहनना है पहने रहो क्या हो बैक टू होम ये रहा हमारा नाश्ता नाश्ता हम लोग करते नहीं कोई भी कॉलोनी वाले सब ले लेके अपने घर आ जाते हैं क्योंकि बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं कोई कोई पूरा छीटेंगे वो करेंगे तो इसीलिए सबसे पहले चेंज करेंगे